नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने मूली के पत्ते की बहुत ही टेस्टी सब्जी की रेसिपी लाई हूँ। एक बार आप इस सब्जी को बनाएंगे तो आप मूली के पत्ते फेंकना बंद कर देंगे दोस्तों, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए वीडियो को प्लीज फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आने के बाद लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो इस मूली के पत्ते की सब्जी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक पंच पूरा मूली का पत्ता था, फ्रेश था, उसको अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने और इसको मैंने धोने के बाद बारीक बारीक काट लिया है। हरी पत्तियों को कभी भी आप पहले धो लीजिए, उसके बाद ही चॉप कीजिए। दो मीडियम साइज के आलू थे, इसको मैंने कुछ इस तरह से छील कर पतला लंबा कट कर लिया है। दो मीडियम साइज के प्याज को पतला लंबा कट किया है। थोड़ी सी लहसुन है और सूखी लाल मिर्च को रफली मैंने चॉप करके रख लिया है। कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाला है मैंने। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा और एक चौथाई चम्मच हींग और इसको डालकर अच्छे से भून लेंगे। हींग डालना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि किसी किसी को मूली डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ही दिक्कत होती है, इसलिए हींग ज़रूर ऐड कीजिए और इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। जब जीरा हमारा अच्छे से भुन जाएगा तब इसमें हम लहसुन और हरी सूखी लाल मिर्च को डाल देंगे और इसे अच्छे से हमें लहसुन को हल्का सा इसका कलर चेंज होने तक पका लेना है। लहसुन थोड़ा सा डार्क होने से जो हमारी सब्जी का टेस्ट है सौंधा सौंधा सा लगेगा, तो लहसुन को थोड़ा सा डार्क कर लीजिए। उसके बाद इसमें हमने इसमें कटे हुए प्याज को ऐड कर देना है और प्याज को अच्छे से 2 से 3 मिनट तक हमें भून लेना है। इस तरह आलू और मूली के पत्ते की आप सब्जी बनाएंगे ना, आपको बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसे रोटी चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के बाद आप मूली के पत्ते बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। तो इसको हम ढक कर प्याज को थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक हम इसे पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसे मैंने कवर करके इसको हल्का सा भून लिया है। प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हमने जो आलू काट कर रखे थे इसको डाल दिया है। आलू काटने के बाद इसको पानी में ऐड कर दीजिए, नहीं तो ये काले पड़ जाते हैं। तो देखिए, इसको डालकर अच्छे से मिक्स करना है और इसके साथ साथ इसमें हमें स्पाइसेस भी ऐड कर देना है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और इसके साथ साथ इसमें जाएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो यहाँ पे मैंने आधा छोटा चम्मच नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो उसको बस इसमें हल्दी और नमक ऐड कर दिया है। अब इसको हम कवर करेंगे और आलू को अच्छे से सॉफ्ट होने तक पका लेंगे, जब तक आलू और अच्छे से हमारा गल ना जाए। इस तरह से आप कोई भी हरी सब्जी बनाइए, आलू पकने के बाद ही इसमें आप हरी सब्जी डालिए तो जब सब्जी का ग्रीन कलर है ना वो बना रहता है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। तो सबसे पहले हम आलू को बहुत ही अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए, अब यहाँ आलू हमने हल्का सा भून लिया है। उसके बाद इसमें मैंने एक छोटा साइज का टमाटर था, इसको बारीक काट कर ले लिया है, इसको डाल देते हैं और डालकर इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम ढक देंगे। आलू को पूरी तरह से हमें बीच बीच में चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। जब हमारा आलू अच्छे से गल जाए तब इसमें हम जो मूली के पत्ते काट कर रखे हैं उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा आलू बहुत ही अच्छे से गल चुका है 80%। अब इसमें हम ऐड करेंगे कटी हुई मूली के पत्ते। इस तरह से आप अगर सब्जी बनाएंगे ना, कोई भी साग आप बनाएं, तो सब्जी का जो कलर है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, बिल्कुल ग्रीन रहता है दोस्तों, पत्ते का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम ढक कर इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से गल ना जाए। तो देखिए, यहाँ पे मेरी कढ़ाई छोटी पड़ रही थी तो मैं 2 बैच में इसको डालूंगी। एक बार डाल दिया, जब ये थोड़ा सा गल गया तो उसके बाद दूसरा डालकर इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। कोई भी साग आप लोहे की कढ़ाई में बनाइए, उसका टेस्ट बहुत ही दुगना हो जाता है। अब इसको हम कवर करके जब तक हमारे मूली और आलू अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए तब तक पका देंगे और बीच बीच में चलाते ज़रूर रहिए ताकि ये नीचे से पकड़े ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, मूली के पत्ते का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। इसी तरह इसे हम पका लेते हैं कुछ समय के लिए, जब तक मूली के पत्ते थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको मैं कवर कर दी हूँ और बीच बीच में चलाकर पत्ते को अच्छे से सॉफ्ट होने तक सब्जी को हमें पका लेना है। यहाँ पे देखिए, हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है, लेकिन पत्ते का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, हमारे साग का कलर बिल्कुल ग्रीन है। इसी तरह बनाइए, आपको बहुत ही पसंद आएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हमारे इस मूली के पत्ते और आलू की सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे रोटी पूरी या पराठे या प्लेन राइस के साथ खाइए, मुझे तो पर्सनली ये राइस के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।